करना चाहता हूँ। आपने तीन तलाक का मुद्दा बनाकर मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, मगर मोदी जी उस मेरी मामी का क्या गुनाह था जो 25 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है कि मेरा घर वाला कम मेरे घर आए। अपनी बीवी को तो इंसाफ नहीं, औरों की बीवी को इंसाफ दे रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीमो कोर्ट के जजों को कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि इस देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, दावा कोई और नहीं कर रहा। दूसरा, अब सोच जताना चाहूंगा, भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीमो कोर्ट के जजों को कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि इस देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। मैं 370 का समर्थन करता हूँ, पुरजोर समर्थन करता हूँ, और कांग्रेस को यह सन 1960 में ही कर देना चाहिए था। माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने 370 हटाई, मगर अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, आपने 370 तो हटाई मगर नागालैंड में 371 तो नहीं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने तीन तलाक का मुद्दा बनाकर मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, मगर मोदी जी उस मेरी मामी का क्या गुनाह था जो 25 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है कि मेरा घर वाला कम मेरे घर आए। अपनी बीवी को तो इंसाफ नहीं, औरों की बीवी को इंसाफ दे रहे हैं। मोदी जी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आपकी सीबीआई ने आपकी सीबीआई ने चिदंबरम को जेल में डाला। भाई तेरे से बात करना रुक जा, तेरे से ये टाइम भी अभी दे दो, दोबारा अटैक तू करना ना, अटैक इन पे करना, 300 गुना बढ़ती है। मोदी जी आपने कहा था कि यहाँ स्मार्ट सिटी बनेगी, 100 एक स्मार्ट सिटी नहीं बनी। आपने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, आज किसान धरना दे रहे हैं। किसानों की फसल का दाम आज तक तय नहीं हुआ, जो डीजल किसानों को पहले मिला करता था 45 रुपए लीटर, आज वो 65 हो गया। आप लोग लॉजिक की बात पूछने लग गए ना, असली लॉजिक पे आप बात करने लग गए ना, उसमें समाज सुधर जाएगा। नहीं कर रहे, आर्थिक मंदी के बारे में बताइए। आर्थिक मंदी का यही है, जब तक यहाँ का जो सरकार जिम्मेदार है नहीं है, सरकार की सरकारों जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, नो डाउट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।